अरे वाह, कलिंग की राजकुमारी दुल्हन बनी है, पर हमें न कहीं राज दिख रहा न कहीं कुमारी। नई नवेली दुल्हन कितना साज श्रृंगार करती, कितना चमकती है। तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है? हाँ, तुझे पता है ना तेरा विवाह कितनी रहीस खानदान में हो रहा है। तुझे इस रूप में देखेंगे तो कितना सुनाएंगे। पिछली बार याद है ना, जब साधारण थाल लेकर गई थी भेंट के लिए, कितना कुछ सुनाया था। और अब तो तेरा विवाह होने वाला है, और अगर इस रूप में देख लिया तो सुना सुना के कानों में दर्द हो जाएगा और शर्म के मारे जमीन में घुस जाएंगे। चाची जी, स्वयं को दूसरों को अच्छा दिखाना, ये सब दिखावा क्यों करना है? और मगध तो जानता ही है कि कलिंग के पास उनके जितना धन नहीं है। कीमती जेवरों और पोशाक पहनना हमारा समर्थ नहीं है। देखो दीदी, आपके लिए क्या है? अच्छा, तो ये सब देवी ने भेजा है ना? नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ वापस, लौटा दो उसे। नहीं राजकुमारी, ये देवी ने नहीं भेजा है। तो किसने भेजा है? राजकुमारी जी, मैं नहीं चाहता आज रात को हमारे विवाह में आप कहीं से भी देवी से कम लगे। मेरी माँ ने उपहार रसम में आपका जो अपमान किया है, मैं उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उनके इस अपमान को मान में बदलना चाहता हूँ। तो हमारे विवाह का ये लहंगा, ये आभूषण स्वीकार कीजिए। ये आपके लिए? हमारे लिए? हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। गौरवकी, राजकुमार शिशुम ने बड़े प्रेम से भेजा है तुम्हें, तुम इसका ऐसे अपमान नहीं कर सकती। मगध के भावी राजा से विवाह होने वाला है तुम्हारा, और एक राजा को पूरा हक होता है कि वो अपनी रानी पर जो चाहे वो न्योछावर कर सके। और राजकुमार सुशीम का ये तरीका है तुम्हें अपना प्रेम अपना सम्मान दिखाने का। अगर वो चाहते हैं कि विवाह में तुम खूबसूरत लगो सुंदर लगो, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी बातों को मानो, उनकी इच्छा की पूर्ति करो। जैसा वो चाह रहे हैं ये मानना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ राजकुमारी, चाची जी सही कह रही है। तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया है और मैंने करा है। ऐसी गलती भूल के भी मत करना अशोक, क्योंकि अगर मुझे खरवाज भी आई तो तुम्हारी बहन निर्धारित समय से पहले मारी जाएगी, या फिर मार दी जाएगी, और फिर तुम्हें मिलेगी उसकी लाश। तुम्हारे विवाह में 2 घंटे हैं, और तुम्हारी बहन के बर्बादी में भी केवल 2 घंटे। उसके बाद तुम अपनी बहन को कभी देख नहीं पाओगे। हमारी बहन को कपड़े और जेवर भेज के चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है राजकुमार सुशीम। पर एक बात बताइए, ये जो जेवर, मेरा मतलब है ये जो उतरन आपने हमारी बहन को दी है, ये पहले कितनी दासियों को पहना चुके हैं? हमें तो याद भी नहीं है हम कितनी दासियों को जेवर भेज चुके हैं, नाम तक भी याद नहीं। और वैसे भी आधे से ज्यादा दासियां तो मर भी चुकी हैं। रह गए तो सिर्फ उनके शरीर के। हमें आपकी किस्मत पे ईर्ष्या हो रही है राजकुमार सुशीम। पाटलिपुत्र में इतना आलीशान जीवन, इतनी दौलत, इतनी शानो शौकत, राजयोग, और हर रात नई दासी के मिलन का जोग। ये दासियां जैसे रोटी बासी। और वैसे भी आप भी तो जोगी से भोग। आज रात जब हम आपकी बहन से विवाह करेंगे तो आप भी तो हमारी छोटी बहन के साथ सुहागरात मना रहे होंगे। सैया के नीचे तहखाना। राजकुमारी जी, आपको विवाह के मंडप में बुलाया जा रहा है। आवाज कहाँ से आई? पर हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने सच में किसी के चीखने की आवाज सुनी है। तुम जाओ, जाकर पता लगाओ कि ये चीख कहाँ से आई है। बदरख! Yes.
तुम यहाँ कैसे आए अशोक? तुमने अशोक की बहन को हाथ लगाया, अब तू देखेगा असली अशोक, प्रचंड अशोक, चंद अशोक, अखंड अशोक। वचन दिया था कि हम अशोक और देवी का विवाह धूमधाम से करेंगे, तो हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, हम इस राजा का वचन निभा रहे हैं बस। सुशीम का है? जी वो वहाँ है। सुशीम, मेरे प्रिय पुत्र, आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, मगध का नाम सम्मान रख दिया है। जाओ, पूजा शुरू होने से पहले राजमाता का आशीर्वाद ले लो। जी पिताश्री। आज हम बहुत खुश है सुशीम, आज राजकुमारी कौरवकी से तुम्हारा विवाह तुम्हारे लिए मगध का सिंहासन और तुम्हारी ताजपोशी को तैयार कर रहा है। जानते हो आज हमें हवाओं में क्या सुनाई दे रहा है? मगध के नए महाराज का बिगुल। हमेशा खुश रहो। राजकुमारी, महल में सांप घुस आया था, इसीलिए कुछ शोर सुना था आपने। सैनिकों ने सांप को बाहर निकाल दिया है, अब सब ठीक है। आप इस ओर से मंडप में चलिए और घूंघट ले लीजिए, मंडप पास में है। अब कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी, हम लेकर आते हैं। क्या कहा तुमने? तुमने मुझ पे वार किया? मैंने तुम पे वार किया? क्षमा करना देवी, मैं तुम पे वार नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। देवी, मैंने तुम्हें कहा था ना, बार बार कहा था कि यह अशोक चंड है, राक्षस है, शैतान है, जानवर है यह अशोक। कितना घिनौना खेल खेला इसने मेरे साथ, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। यह अशोक ये घात है, चलती फिरती मौत है, ये मानव नहीं, ये दानव है। ए चंड, तुम्हें ये अनुमति दी किसने? कहां से आई है हिम्मत तुम्हें मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेलने की, अपने मंडप पे देवी की जगह मुझे बिठाने की? मुझे अपने मंडप में क्यों बिठाया?